हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्ड्स चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस के बारे में। हम इस वीडियो में डेटाबेस के ऑपरेशंस, डेटाबेस के एग्जांपल्स और डेटाबेस के मॉडल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कभी कभी आप सोचते होंगे कि सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन कहाँ रहता है, क्या इंटरनेट में कोई जगह है जहाँ कोई आदमी बैठ के लिखता है। इन सभी का जवाब है डेटाबेस। यह भी जान लो, डेटाबेस के बिना इंटरनेट कुछ भी नहीं है। तो चलिए, आज हम इसी डेटाबेस की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। डेटाबेस जानकारी का संग्रहालय है, जहां रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखा जाता है। जहां पर हमारा पहला पॉइंट है कि इन्फॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड। अब इसका मतलब यह है कि डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित करके रखा जाता है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब सजा के रखना, जैसे आप बुक्स को टेबल पे सजा के रखते हो, वैसे ही इन्फॉर्मेशन और डेटा को डेटाबेस में रखा जाता है। इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है एमएस एक्सेल, जहां पर जो डेटा होता है वह डिजिटल मेमोरी डिवाइस में रखा जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क में। अभी हमारा दूसरा पॉइंट है कि इजीली एक्सेस। इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में कुछ इस तरह से रखा जाता है कि जिसे आप बड़ी आसानी से डेटा को एक्सेस कर सको और मैनिपुलेट कर सको। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक एमएस एक्सेल शीट जहां पर 100 विद्यार्थियों की डिटेल रखी है। डिटेल्स में जैसे कि रोल नंबर, नाम, पता, शहर का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि आदि चीजें जहां लिखी गई हैं, जहां हम और आप यह बोल सकते हैं कि यह एक्सेल शीट का एक डेटाबेस है जहां इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखा गया है। डेटाबेस में जो भी इन्फॉर्मेशन और डेटा है उसको आप जब चाहें तब एक्सेस कर सकते हो। अब मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी में 100 विद्यार्थी हैं और उनके एग्जाम खत्म हो गए हैं। अब इनके रिजल्ट को कंप्यूटर के जरिए डेटाबेस में अपलोड किया जाता है। यह भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी की अपनी कोई वेबसाइट हो, तो वहां पर भी अपलोड किया जा सकता है। अब यह स्टूडेंट रिजल्ट का डेटाबेस बन गया है। जब रिजल्ट निकलने की डेट आती है, तब इस रिजल्ट को पब्लिश किया जाता है। तभी स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर डालकर इस रिजल्ट को देखते हैं। अब हम इस प्रोसेस को कहते हैं कि डेटाबेस को एक्सेस करना। जो भी रिजल्ट था उसको यूनिवर्सिटी ने डेटाबेस में लोड कर दिया। अब स्टूडेंट अपने रोल नंबर की सहायता से उस डेटाबेस में अपना रिजल्ट देख सकता है। बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, जैसे गूगल का अपना डेटाबेस होता है और किसी गवर्नमेंट का भी अपना डेटाबेस होता है। तो आइए अब हम डेटाबेस के कुछ एग्जांपल्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। पहला है फॉक्स प्रो। यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको पहली बार फॉक्स सॉफ्टवेयर ने
इसको पब्लिश किया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने फॉक्स प्रो को आगे चल के एमएस डॉस, विंडोज और यूनिक्स वर्जन में चलने के लिए डेवलप किया था। अभी इसका नाम विजुअल फॉक्स प्रो है, लेकिन 2007 के बाद इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था। दूसरा है आईएमएस। आईएमएस डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए हायरार्किकल मॉडल को फॉलो किया जाता है। तीसरा है ओरेकल। ओरेकल को ओरेकल RDBMS भी बोलते हैं, यह ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आज के समय में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है ओरेकल कॉरपोरेशन। चौथा हमारा आता है MySQL, जिसे हम MySQL कहते हैं। यह एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको बता दें कि SQL का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब हमारा आता है DB2। यह एक डेटाबेस का प्रोडक्ट है। यह RDBMS है, मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DB2 का इस्तेमाल डेटा को डेटाबेस में स्टोर, एनालाइज और रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। अभी हम डेटाबेस के ऑपरेशंस की जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है इंसर्ट। अगर कुछ डेटा स्टोर करना हो तो उसे इंसर्ट ऑपरेशन बोलते हैं, जैसा कि किसी स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर आदि लिखना है तो उसमें डेटा को इंसर्ट करेंगे। दूसरा है डिलीट। डेटाबेस में इसकी सहायता से आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट का प्रोफाइल गलती से अपडेट हो गया हो तो आप उस स्टूडेंट का प्रोफाइल डिलीट भी कर सकते हो। अगला है अपडेट। अगर कोई इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में पहले से ही मौजूद हो लेकिन अभी आपको कुछ उसमें बदलाव करना है तो आप उसे आसानी से अपडेट कर सकते हो। चौथा ऑपरेशन है हमारा सर्च। अगर एक डेटाबेस में बहुत सारे विद्यार्थी हों और आपको किसी एक विद्यार्थी के नेम को ढूंढना है तो आप आसानी से सर्च करके उस विद्यार्थी का पता लगा सकते हो। अभी हम डेटाबेस के मॉडल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला आता है हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। यह डेटाबेस का सबसे पुराना रूप है, जिसका निर्माण IBM ने अपने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए तैयार किया था। यह मॉडल डेटा को ट्री स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करता है। इस मॉडल में रिकॉर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। दूसरा मॉडल है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। यह मॉडल को डेटाबेस टास्क ग्रुप ने सन 1971 में बनाया था। यह मॉडल हमें 1-to-1, 1-to-many और 1-to-many रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। नेटवर्क मॉडल वैसे तो काफ़ी पावरफुल है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि इसमें सारे टेबल आपस में लिंक रहते हैं। इस मॉडल को ग्राफ स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अंत में हमारा आता है रिलेशनशिप डेटाबेस मॉडल। यह मॉडल बहुत पावरफुल और सिंपल है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और नेचुरल है। यह एक टेबल जैसा होता है जिसमें रोस और कॉलम्स भी होते हैं। इस मॉडल को हम रेशनल मॉडल भी कहते हैं। रेशनल मॉडल में
रोज को रिकॉर्ड कहते हैं और कॉलम को फील्ड कहते हैं। अभी हम अंत में डेटाबेस के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला है डेटाबेस यूजर। यह वो यूजर है जो डेटाबेस को कहीं से भी एक्सेस करता है और सर्च करता है। दूसरा है डीबीए। डेटाबेस का फुल फॉर्म है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसको मैनेजर भी कहते हैं जो पूरे सिस्टम को चलाता है। यह यूजर की नीड्स को समझता है और उसके हिसाब से मैनेज और अपडेट करता है। और अंत में हमारा आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। यह DBMS सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसको पूरे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने इस वीडियो में डेटाबेस की सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।